हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैच ड्रीम्स विद स्नेहा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वॉल मेकओवर और वॉल डेकोर अंडर 250। यस, और ये बहुत ही खूबसूरत टर्न आउट हुआ है, सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फॉर दिस DIY हमें लगने वाली एक बाम्बू स्टिक, बड़ी सी बाम्बू स्टिक। ये मैंने हार्डवेयर की शॉप से परचेस की है 20 rupees में। हालांकि मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी, बट ये ठीक थी। तो मैंने इसके ऊपर लगाया है जो आर्टिफिशियल लीव्स जो मैंने परचेस किए थे अमेज़ॉन से, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उनको टाई करने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारी जूट रोप होती है, हर एक के घर में तो जूट रोप होगी ही, उससे सिर्फ इसको टाई करना है। एक साइड से अच्छे से टाई करना है, क्योंकि ये हमें हैंग भी करना है ये जूट रूप। इसलिए एक साइड से मैंने अच्छे से जूट रूप टाइट करके बांध ली। देन मैंने जो लीव्स थे आर्टिफिशियल लीव्स, वो टर्न की एक स्टिक के आउटसाइड पूरा टर्न टर्न करके मैंने पूरी जो स्टिक है वो कवर कर ली। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से मैंने वो स्टिक पूरी कवर कर ली आर्टिफिशियल लीव्स से। नाउ एक साइड से हमने जूट रोप ऑलरेडी टाई कर रही थी, और दूसरे साइड से बाम्बू के दूसरे एंड से हमें फिर से जूट रोप टाई करनी है, जिससे हम उस जूट रोप को हैंग कर सकें इस तरीके से। अभी ये बाम्बू स्टिक कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप रख के बाम्बू के बीच बीच में हमें जूट रोप टाई करनी है इस तरीके से। मैं 4 जूट रोप टाई कर रही हूँ यहाँ पे। जूट रोप टाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि जूट रोप हमें लीव्स के ऊपर टाई करना है, क्योंकि लीव्स भी अच्छे से उस पर स्टिक हो जाए, और सेकेंडली वो अच्छे से टाई हो जाए, उसके नीचे कितना भी हेवी वेट लगा दे जूट रोप निकलनी नहीं चाहिए। आओ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ की कॉपीज़ ली है, कुछ मैंने 120 या 150 में ये सारी कॉपीज़ ली है। तो हमें ये कॉपीज़ इसके ऊपर स्टिक करनी है। अगर मैं ऐसे इसके ऊपर इस कॉपीज़ को स्टिक करूँगी तो ये सीधे स्टिक नहीं होगी या फिर ऊपर नीचे हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी काम ये है कि जहाँ पे हमें ये वॉल डेकोर या वॉल आर्ट हैंग करना है, वो वॉल पे इसको हैंग कर देना है। मैंने चूज़ किया है मेरे एंट्रेंस के पास वाली वॉल, वहाँ पे मैंने ये जो बाम्बू स्टिक है हमारी वो हैंग कर दी। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मुझे ये अभी भी थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है इसके एक साइड से मैं इसको और आर्टिफिशियल लीव से डेकोर करूँगी, सिर्फ एक साइड से, लेफ्ट साइड से। क्योंकि अगर मैं राइट साइड से भी इसको हैंग कर दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ मैं एक साइड से आर्टिफिशियल लीव्स हैंग कर रही हूँ इस तरीके से। लीव्स हैंग करते वक्त मैं जूट रूप के अराउंड उस लीव्स को हैंग कर रही हूँ, जिससे वो एक सिमेट्रिक लुक में दिखेगा, और जब वो लगेगा तो वो एक ही लीव्स दिखेंगे, अलग अलग दो पत्ते या दो लीव्स नहीं लगे इसीलिए। अब मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसके ऊपर फ़ोटो स्टिक करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं एक लुक दे देती हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने पहले से कुछ फ़ोटोज़ प्रिंट करके लाई थी, जो मेरी फेवरेट फ़ोटोज़ है वो, और उसमें कुछ कोर्स भी थे जिससे पॉजिटिव एनर्जी रहे घर में। तो और उसके और स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ फेमी बॉन्ड, क्योंकि फेमी बॉन्ड और डबल टेप या कोई भी सेलो टेप, इससे अच्छे से स्टिक हो जाएगा।
फ़ोटो स्टिक करने के लिए मैंने सबसे पहले जो फेमी बॉन्ड है वो जूट्रोप के ऊपर लगाया एंड देन उसके ऊपर फ़ोटो स्टिक किया। फ़ोटो अगर मैं डायरेक्टली सेलोटेप से स्टिक कर देती तो वो निकल जाता, वो ज़्यादा स्टडी नहीं रहता, या हवा से या किसी और चीज़ से थोड़ा गीला होने के बाद वो निकल जाता या मॉइस्चर पकड़ने के बाद। इसलिए मैंने पहले फेमी बॉन्ड से स्टिक किया जूट रोप के ऊपर एंड देन मैंने सेलोटेप ऐड किए, वो भी आप आगे क्लिप्स में देख सकते हो। और एक बात, अगर मैंने यहाँ पे एक बड़ा फ़ोटो लिया है तो उसके नीचे मैंने एक कोट लगाया है, वो थोड़ी और बड़े साइज़ में है, कोई रेक्टेंगल में है, कोई स्क्वायर में है, तो मैंने पूरा जो आर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ उसमें कोई भी फ़ोटो मैंने सेम नहीं रखा है या कोई भी साइज़ मैंने सेम नहीं रखी है, जस्ट बिकॉज वो सेम ना दिखे। जैसे हम मेमोरी वॉल बनाते हैं अलग अलग फ़ोटो शेप्स के, फ़ोटो फ्रेम्स हम लगाते हैं, उसी तरीके से मैंने फ़ोटोज़ भी अलग अलग शेप्स के प्रिंट किए। अभी आप देख सकते हो ये जो सेलोटेप है मेरे पास, उससे मैं फ़ोटोज़ के पीछे एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सेलोटेप स्टिक कर रही हूँ, जिससे ये स्टडी रहेगा, हवा फैन के हवा से या मॉइस्चर से ख़राब नहीं होगा, वो निकल के नहीं आएगा। फ़ोटोज़ तो हैंग हो गए, अभी इसके नीचे अगर मैं कुछ हेवी लगा दूँ तो ये ज़्यादा नहीं हिलेगा फ़ैन की हवा से। तो मेरे पास कुछ पेबल्स थे तो मुझे पेबल्स जूट के रोप के ऊपर हैंग करने थे, तो इसके लिए मैंने फिर से फेमी बॉन्ड लिया है, क्योंकि फेमी बॉन्ड या आप हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हो जिससे वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। थोड़ा हेवीनेस ज़रूरी है जूट रोप के नीचे, नहीं तो फ़ोटोज़ बहुत हिलेंगे और वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने जूट रोप के नीचे एंड पे फेमी बॉन्ड से ये जो पेबल्स है वो स्टिक कर दिए। इससे होगा ये कि बेस मिलेगा, किसी भी चीज़ को अगर बेस अच्छा हो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। अगर आप ये क्रिएट कर रहे हो तो आप पेबल्स की जगह कोई भी और हेवी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट इतनी हेवी कि जो वो जूट रोप सह सके। तो पेबल्स अच्छी मेरी आइडिया थी, आप कुछ और भी आइडियाज़ यूज़ करके जूट रोप को नीचे हेवी बेस दे सकते हो। ये हो गया, अब मेरे पास एक ये बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रिंग लाइट्स है, ये मुझे यहाँ पे लगाने हैं इस आर्ट के ऊपर, क्योंकि ये लाइट की वजह से और खूबसूरत दिखेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं सिर्फ लीव्स के ऊपर लगाऊंगी, मतलब फ़ोटोज़ के ऊपर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ लीव्स के ऊपर लगाने से भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। बट सिर्फ प्रॉब्लम एक थी कि थोड़ा सा हेवी था जो बैटरी का जो एरिया था, तो मैंने उसको डबल टेप लगा के बाम्बू के एक साइड पे लीव्स के पीछे हाइड करके स्टिक कर दिया और बाम्बू फिर से बैलेंस कर लिया। और जो बाकी जो स्ट्रिंग लाइट की जो स्ट्रिंग थी वो पूरी मैंने जो आर्टिफिशियल लीव्स थे उनकी तरह ही पूरी एरिया में जो एल बना है, उल्टा एल, उस शेप में उनको लगा दिया। पूरे जो पत्ते हैं वो भी कवर हो गए, पूरा जो बाम्बू है और वो भी कवर हो गया, और इसी शेप में ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं पूरे फ़ोटोज़ के ऊपर लगा देती तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर से जो स्ट्रिंग लाइट है वो उल्टी ऊपर ले ली और वहाँ पे ही स्टिक कर दी। नाउ इट्स कंप्लीट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। एक नाइट लुक भी मैं आपको दे देती हूँ, नाइट में अगर पूरा लाइट बंद करके आप ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट चालू कर देते हो ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये आर्ट। और ये सिर्फ मैंने 250 में ये क्रिएट किया है। अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फ्रेम्स में, तो आप इस तरीके की मेमोरी वॉल ज़रूर क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो
प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय।